उद्घाटन होने वाला है गोवा में, जो प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे, वो हमारे देश के लिए ही, ना कि सिर्फ गोवा के लिए, देश के लिए भी काफी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि गोवा टूरिस्ट प्लेस है और बाहर से जो लोग आएंगे उनके लिए काफी कंफर्टेबल हो जाएगा, काफी चीजें बदल जाएगी और हमारे देश का नाम भी होगा। ये चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है करना और इनसे हर किसी को फायदा होगा। ये डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए इंडिया में बहुत अच्छी पहल है। प्रधानमंत्री जी उन्होंने बहुत ही अच्छा ये काम किया है कि यहाँ पे आने जाने वालों के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं दी है और यहाँ पे आने जाने वालों के लिए बहुत अच्छे से एक सुविधा इतनी अच्छी हो गई है कि उनको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा जल्दी से आने के लिए। और मैं बहुत बहुत खुश हूँ हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी जी के लिए और मैं आगे कामना करती हूँ कि आगे हमारे प्रधानमंत्री जी आगे ऐसी और भी आगे अच्छी अच्छी नई नई सुविधाएं लाते रहे। नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, उससे क्या है कि कन्वीनियंस ज्यादा इजी हो जाएगी, टूरिज्म को बहुत ज्यादा अच्छा होगा, मोर ओवर सबको कन्वीनियंट होगा, इजी होगा सबको आना जाना एंड मोर ओवर इट्स अ गोवा, सो टूरिज्म के लिए सबसे अच्छा चीज है। गोवा में यहाँ पर एयरपोर्ट बन रहा है तो ये मतलब बहुत अच्छी गर्व की बात है, टूरिस्ट को भी बहुत फायदा मिलेगा। बहुत खुशी की बात है कि मोपा एयरपोर्ट के ऊपर नया इनॉग्रेशन हो रहा है और मोदी जी ने अपने देश के लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि सब लोगों को बिजनेस मिलेगा, टूरिज्म डिपार्टमेंट में और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर गोवा का नाम होगा। प्राइम मिनिस्टर चाह रहे तो हमारे लिए अच्छी है ना, कि वो अच्छी खबर है और एयरपोर्ट बन रहा है तो हमारे लिए गोवा के लिए सबसे अच्छा है और पूरे इंडिया के लिए खुशखबर है। हम लोग बहुत खुश है क्योंकि हमारा गोवा में दो दो एयरपोर्ट और है, इसलिए प्रधानमंत्री भी हार है। मुझे इस बात के लिए गर्व है कि गोवा में अब दो दो एयरपोर्ट बनने जा रहे हैं, तो ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि गोवा में जितने भी लोग रहते हैं, खास करके जो काम करते हैं टैक्सी वालों के लिए भी बहुत गर्व की बात है। और एक साथ साथ बोलना चाहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री हमारा मोदी इनॉग्रेशन के लिए आ रहे हैं, सो उनके लिए भी हम बहुत खुशी है और आने वाला समय पर उससे भी और बेहतर करेंगे। इट्स प्रीटी गुड, आई मीन वी ऑलवेज वांटेड अ बिगर एयरपोर्ट इन गोवा एज वी यूज्ड टू हैव lot of congestions due to lot of tourists coming in Goa, but I guess it will be more convenient. It's really a blessing to Goan community over here, and especially in Goa, where we have two airports are coming, one in Dabolim and one in Mopa, and I think it will be a huge blessings to many, especially the taxi driver who will be having a lot of job opportunities, and I hope that we'll have a lot of tourism coming up with these two airports, with two new destination, and yeah, so good. The government is doing a wonderful job.